खबर है मिर्जापुर से। मिर्जापुर जिले के चुनार विधानसभा के शिवशंकरी ग्राम में प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि कांग्रेस के विधानसभा चुनार के भावी प्रत्याशी विजय कुमार सिंह रहे। वहीं उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य चुनार विधानसभा के तीनों ब्लॉकों में युवा बेरोजगारों को यहीं पर रोजगार देना है। उद्योग के माध्यम से उनको बाहर दिल्ली मुंबई जैसे अन्य शहरों में न जाना पड़े। साथ ही कहा कि वर्तमान सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार सिर्फ हवा में बातें कर रही है, इस सरकार में सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जमीनी हकीकत से इनका कोई भी वास्ता नहीं है। मिर्जापुर से सद्दाम अंसारी की रिपोर्ट। जी, मैं कहीं भी जाता हूँ, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, मैं वहाँ पर जो भी धर्म के अनुसार जो भी होता है वो मैं दर्शन पूजन करके ही आगे जाता हूँ। आज यहाँ पर किस चीज का कार्यक्रम है, कौन सा रखा गया कार्यक्रम? यहाँ पे सम्मान समारोह हमने रखा है नारायणपुर ब्लॉक, जितने भी नवनिर्वाचित प्रधान और ऋषि थे। आपने क्या लक्ष्य रखा है चुनार विधानसभा के लिए? चुनार विधानसभा में हमारा लक्ष्य है यहाँ के बेरोजगारों के लिए रोजगार देना, और जितनी भी योजनाएं आएंगी ज्यादा से ज्यादा योजनाएं हम दें और शिक्षा के काम। आपका उद्देश्य क्या है चुनाव में आने का? मेरा यही उद्देश्य है कि जो बेरोजगार है, आप देखे हैं लॉकडाउन में कितने लोग बेचारे परेशान हुए, कोई दिल्ली बॉम्बे कोलकाता कहीं से भी आए गए, जो काफी लोग पहुंच भी नहीं पाए, और जो भी आए उन लोगों का रोजगार छूटा था। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे 3 लाख है, 3 लाख में कुछ न कुछ अपनी क्षमता के अनुसार हम कुछ उद्योग लगाएं और उन लोगों के लिए रोजगार दें। जो बेचारे बाहर जाते हैं उनको न जाना पड़े, अपना सुबह से शाम उठा ड्यूटी करें, शाम को अपने परिवार में आते हैं।